Hey guys, welcome back to my channel. You, me and K-drama में तो Love Me Like I Do का next episode यहाँ से start होता है. Dr. Lee Louis से कहते हैं कि तुम्हें प्यार हो गया है, वो भी Tan से. तो Louis कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तो Dr. Lee कहते हैं कि प्यार और छींक एक ही तरह की होती है, छुपाए नहीं छुपती. तो Louis कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक घंटे में हम दोनों साथ मूवी देख रहे होंगे, तो हमें प्लान करना होगा. तो Dr. Lee कहते हैं कि मैं क्यों, तो Louis कहता है कि मैं असिस्टेंट के थ्रू Tan को 2 टिकट भिजवाया हूँ, 90% चांसेस है कि वो मेरे साथ मूवी देखेगी, लेकिन 10% ये भी हो सकता है कि वो रोज़ के साथ मूवी देखे. तो मैं अकेले तो अच्छा नहीं लगूँगा, तो तुम साथ में होंगे तो हम ऐसे बताएंगे कि हम को इंसिडेंट उन्हें मिल रहे हैं. तभी सामने से Tan और लुईची आ रहे होते हैं. उन्हें देख कर लुई शॉक और सरप्राइज हो जाता है. उन्हें ना दिखे इसलिए दोनों मेन्यू कार्ड के पीछे छुप जाते हैं. दोनों जब बैठे हुए होते हैं तो ये दोनों छुप कर उनकी बातें सुन रहे होते हैं. लुईची कहता है कि तुमने मुझे मूवी के लिए कैसे इनवाइट किया, तो Tan कहती है मेरे पास 2 टिकट थी और कल मिस्टर Louis के बिहेव के लिए सॉरी भी कहना था. तो लुईची कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, मूवी स्टार्ट हो जाएगी. और दोनों अंदर चले जाते हैं. Louis कहता है कि सिंगल मैन और सिंगल वूमेन को वो भी अंधेरे रूम में मैं अकेले रहने नहीं दे सकता, तो वो भी अंदर चले जाते हैं. Louis जाकर Tan के पास ही बैठता है. जब Tan उसे देखती है तो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो Louis कहता है ओह कैसा को इंसिडेंट है. तभी एक लड़की रोज़ का बुके लेकर आती है सीट नंबर 4 के लिए. एक्चुअली ये बुके वो Tan को देने वाला था, लेकिन प्लान फ्लॉप होने की वजह से ये बुके वो Dr. Lee को देता है और Dr. Lee एम्बेरस हो जाते हैं. फिर लुईची Tan को पॉपकॉर्न देता है. ये देखकर Louis भी Dr. Lee से पॉपकॉर्न लेकर Tan को देता है. फिर दोनों Tan को पानी की बोतल देते हैं, लेकिन Tan दोनों से ना लेकर अपनी बोतल से पानी पीती है. मूवी ख़त्म होने के बाद Louis Tan से कहता है कि Dr. Lee तो चले गए, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ. लेकिन लुईची Tan से कहता है कि तुमने मुझे मूवी के लिए इन्वाइट किया, तो मैं तुम्हें स्ट्रीट फूड के लिए इन्वाइट करता हूँ, चलो चलते हैं. तो Louis कहता है मैं भी साथ चलूँगा, तो लुईची कहता है स्ट्रीट फूड तुम्हें सूट नहीं करेगा, फिर भी तुम आना चाहो तो तुम्हारी मर्जी. यहाँ वेंजन को जॉल से पता चलता है कि Louis मूवी के लिए गया है, क्योंकि वो रोमांटिक मूवी टिप्स मांग रहा था. ये सुनते ही वेंजन कहती है कि मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन जाओ उसे मना कर देता है. फिर स्ट्रीट फूड टेबल पर तीनों बैठे हैं. Louis लुईची दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे हैं. फिर दोनों के बीच कंपटीशन लगती है कि कौन ज़्यादा ड्रिंक करेगा. Tan दोनों को मना करती है, लेकिन दोनों भी पूरे नशे में होते हैं, तो Tan रोज़ को कॉल करती है. फिर Louis Tan का हाथ पकड़ के बोलता है कि बोलो कौन जीता. लुईची भी दूसरा हाथ पकड़ कर कहता है कि हाँ बोलो, तो Tan दोनों का हाथ छुड़ा कर कहती है कि तुम दोनों अपनी अपनी पोस्ट में बड़े हो और बच्चों जैसे कर रहे हो. Louis Tan का फिर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तो लुईची भी Tan का दूसरा हाथ पकड़ लेता है. तभी Louis Tan को अपनी तरफ कर कहता है कि तुम किसी को नहीं देखोगी, बस मुझे देखोगी. तभी वहाँ पर रोज पहुँच जाती है. रोज और Tan उन दोनों को होटल ले जाते हैं, पर वहाँ पर बस एक ही रूम होता है, तो दोनों को एक बेड पर सुला देते हैं. रोज कहती है ये ठीक होगा, तो Tan कहती है अब हम दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि इन दोनों को उनके घर पहुंचा सके. Tan घर में Louis की बातें सोच रही होती है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या बस मेरी इमेजिनेशन है. जब सुबह होती है वो दोनों एक दूसरे को देखकर जोर में चिल्लाते हैं. Louis कहता है कि Tan मुझे कैसे तुम्हारे साथ बेड पर सुला सकती है. लुईची पूछता है क्या तुम Tan को पसंद करते हो, तो Louis कहता है Tan मेरी एम्प्लॉई है, वो मेरी है और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, Tan मुझे पसंद करती है. तो लुईची कहता है कि देखेंगे कौन जीतेगा. फिर Louis असिस्टेंट से कहता है कि मुझे Tan पसंद करती है, पर बीच में ये लुईची डिस्टर्ब करने आ जाता है. फिर बताते हैं कि असिस्टेंट Louis को ढेर सारी वियर्ड बुक लाकर देता है, तो Louis कहता है इन सब का क्या फ़ायदा होगा, तो असिस्टेंट कहता है इन सब में दिया है जब लव में कुछ काम ना करे तो दूसरी लड़की आने से लव रिवील होता है, जिससे आप किसी दूसरी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे जाओ
जब टैन ये देखेगी कोई दूसरी लड़की को इम्पोर्टेंट मिल रही है तो वो जलस फील करेगी और ऐसे उसे एहसास होगा कि वो आपको लाइक करती है। फिलू ये अंकल को ब्लाइंड डेट के लिए हाँ बोलता है और वो जब तैयार हो रहा होता है तो सोचता है कि आज की ब्लाइंड डेट को मुझे ठीक से अटेंड करना है। तभी टैन को जलस फील होगी और असिस्टेंट टैन को मैसेज करता है कि मिस्टर लुई के ब्लाइंड डेट के गिफ्ट के लिए मुझे सिलेक्शन करने में मदद करो। ये मैसेज पढ़ के टैन को लगता है कि हाँ वो मेरी इमेजिनेशन ही थी। तभी लुईची का कॉल आता है, वो कहता है क्या तुम मुझे मिल सकती हो, मैंने लोटस परफ्यूम बनाया है जो तुम्हें पसंद है। जहाँ लुई ब्लाइंड डेट के लिए आया होता है वहाँ लुईची को वो एक लेडी के साथ देखता है तो सोचता है ये कितना बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन एक्चुअली में वो उसकी मॉम होती है। लुई जब ब्लाइंड डेट के लिए वेट कर रहा होता है तो सामने से टैन आ रही होती है तो वो सोचता है कि अब टैन गुस्सा होगी और उसे अपनी फीलिंग्स बता देगी। तो टैन भी लुई को देख लेती है लेकिन वो इग्नोर कर आगे चले जाती है। लुई सोचता है कि ये लुई जिसे मिलने क्यों आई है। तभी उसकी ब्लाइंड डेट भी आ जाती है लेकिन लुई का सारा ध्यान उन दोनों की तरफ होता है। वो लड़की बातें करने लगती है और फिर शादी की बात करती है तो लुई कहता है कि मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है और उसे गिफ्ट देता है सॉरी के बदले। वो लड़की पर्स पाकर बहुत खुश हो जाती है। टैन का भी उन दोनों की तरफ ही ध्यान होता है। फिर लुई ची कहता है कि चलो हम एनिमल शेल्टर चलते हैं। लुई भी उनके पीछे जाता है और टैन से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन लुई ची कहता है कि वो बिजी है, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी और दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं। तो टैन लुई ची से कहती है कि हम फिर कभी चलेंगे और आगे निकल जाती है तो लुई भी उसके पीछे जाता है। लुई टैन से कहता है कि मैं प्ले बॉय से बचा रहा था। तो टैन कहती है अगर वो प्ले बॉय है तो तुम क्या हो, तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट अटेंड करने आए थे। तो लुई कहता है जलस फील कर रही हो। तो टैन कहती है मैं क्यों करूँगी। तो लुई कहता है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने कितना कुछ किया, मैंने वो भी किया जो मुझे पसंद नहीं था। मुझे एनिमल पसंद नहीं लेकिन मैं एनिमल शेल्टर आ गया, मैंने मूवी टिकट्स निकाले, मैं ब्लाइंड डेट अटेन की ताकि तुम्हें जलस फील हो क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ पे ही ये एपिसोड एंड होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, चीज़।